नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार में नए सरकार के गठन का जो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुका है। जिस तरीके से बहुमत मिलने के बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इस बात की चर्चाएं जो है वह काफी तेज तो दो दिन पहले ही हो गई थी जब रिजल्ट आया था, लेकिन लगातार कई तरह के इसमें मोड़ भी देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि अभी नीतीश कुमार भी खुलकर इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि वो बिहार में क्या कुछ करने वाले हैं, सरकार बनाएंगे तो किसके साथ मिलकर बनाएंगे। वही बीजेपी भी अब तक इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने कल ये ऐलान कर दिया कि बिहार में सरकार बनेगी और वो भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनने वाली है। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा उलटफेर जो है वो होने की संभावना है, बहुत बड़ी उलटफेर होने की संभावना है। और यह जो उलटफेर है ये कर सकते हैं मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी। दरअसल जो खबरें चल रही हैं बेहद चौंकाने वाली है, जहां चुनाव से कुछ दिन पहले ही जो एनडीए में शामिल हुए थे मुकेश सहनी, कही जा रही है जो बातें कि अब मुकेश सहनी जो हैं वह पाला बदल सकते हैं, उनके जो चार चार विधायक हैं वह आरजेडी से मिल सकते हैं। दरअसल आरजेडी ने मुकेश सहनी को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। आरजेडी ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दे दिया है, ये कह दिया है कि वो उन्हें उप मुख्यमंत्री बना देंगे, तो उनके जो चार विधायक हैं वो आरजेडी का समर्थन कर दे। साथ ही साथ जीतन राम मांझी से भी संपर्क करने की बात कही गई है। जीतन राम मांझी के बारे में भी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है महागठबंधन, तो ये एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर है। हालांकि इस पर कोई अंतिम मुहर नहीं लगी है, इसको लेकर सिर्फ चर्चाएं हैं, ये खबरों में चल रही हैं ये बातें। हम आपको लगातार ये बातें बता देते हैं कि चर्चाएं तेज है, और इससे पहले ही इन सब चीज़ों को भांप लिया गया था, जिसके बाद लगातार एनडीए के तमाम विधायकों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। शीर्ष नेतृत्व के द्वारा या फिर महागठबंधन की बात करें तो तमाम विधायकों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। हालांकि बैठक जो है वह चल रहा है, जेडीयू के तरफ से भी एनडीए के तमाम घटक दल जो मिलकर हैं वह बैठक कर रहे हैं। तो बिहार में सरकार का गठन होना तय है एक बार फिर से एनडीए का, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव ने उम्मीद नहीं हारी है। उन्होंने वो भी निराश नहीं हुए, उन्हें लगता है कि अभी वो सरकार बना सकते हैं। लालू प्रसाद यादव भी लगातार तेजस्वी यादव को सलाह दे रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ करना है। तो ऐसे में संभावना है कि एक बार फिर से मुकेश सहनी से संपर्क किया जाए, या फिर जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, ये सब मिलकर बिहार में सरकार महागठबंधन की बनाएंगे। क्या कुछ होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि एक अच्छी एक बड़ी खबर ये भी कह सकते हैं महागठबंधन के लिए कि महागठबंधन का समर्थन असदुद्दीन ओवैसी ने भी कर दिया है। उनके जो पांच विधायक जीते हैं उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि वो महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को, बिना कोई शर्त जो है वह समर्थन करेंगे। तो ऐसे में सरकार गठन में क्या कुछ होता है, क्या कुछ उलटफेर होती है, तमाम चीज़ों से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बटन हेडलाइंस बिहार के साथ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।